देखो लास्ट क्लास एग्जाम्पल एट तक किया था गेस है ना वही तो बोला मैं आपको देखो फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेस इन विच एंड शेयरिंग ऑन नहीं है अब दिख रहा है आ, सर फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेस इन विच एंड डिस्टिंग बॉल्स कैन बी पुट इन टू डिफरेंट बॉक्सेस मतलब so no I mean, no अब देखो कहने का मतलब यह है जो कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए हम एक एग्जाम्पल लेते मान लो ये दो ये आ, ये दो बॉक्स है और मेरे पास पांच बॉल है ठीक है हम क्या कर सकता है मेरा केस सुनना पांच नहीं हम चार बॉल लेता तो थोड़ा थो आसान होगा चार चार बॉल हम कैसे रख सकता है यहाँ पे चार बॉल यहाँ पे जीरो बॉल रख सकता है कोई प्रॉब्लम आ नहीं रख सकता नहीं नहीं हम एक जनरल सिचुएशन बोल रहा है रख आ, सकता है फिर तीन बॉल एक बॉल दो बॉल दो बॉल या फिर एक बॉल तीन बॉल या फिर जीरो बॉल चार बॉल ऐसे रख सकता है हाँ कोई प्रॉब्लम ना अब इसमें भी एक सवाल आता है क्या सवाल आता है मान लो हम तुमको चार बॉल दे रहे जो अलग अलग कलर का है ठीक है रेड भी हो सकता है ब्लू भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है और और वाइट भी हो सकता है ठीक है अब ये एक बॉल कौन सा कलर वाला बॉल है तुमको पता है हाँ कौन सा कलर वाला बॉल है हाँ अब का बात करें ना क्या हो सकता हाँ हम वही बोला ये जो एक बॉल है सेकंड बॉक्स में ये कौन सा कलर होगा हमको मालूम नहीं चारों बॉल हो सकता है नहीं हो सकता है हो सकता है। तो यहाँ पे पर... यहाँ पे और फोर वेज आ जाएगा समझ रहे हैं तो ऐसे करके नंबर ऑफ वेज निकल जाएगा बहुत सारा सेम यहाँ पे एन बॉल के लिए भी है तो हम लोग कैसे निकालेगा देखो समझ ना कैसे है कोई डाउट इसमें ना अब देखो दो बॉक्स है ठीक है तो तुम देखो और मेरे पास कितना बॉल है

तो पहले हम लोग एम टी का केस देख देख लेते हैं किस में एम टी रह सकता है अगर सारा का सारा बॉल इस बॉक्स में आ जाए तो ये क्या सेकेंड बॉल एम टी हो जाएगा हाँ. सेकेंड बॉक्स एम टी हो जाएगा और मान लो मान लो सारा का सारा बॉल सेकेंड बॉक्स में आ जाए तो फर्स्ट बॉक्स एम टी हो जाएगा ये दो ही हाँ. केस है जहां पे एम टी हो सकता है गुड आउट तो फाइनल आंसर क्या होगा टू पावर एन माइनस टू चेक करो गुड आउट माइनस टू का ऐसा है दो केस ऐसा है जिसमें एम टी है पर हम लोग को बोला ना एम नहीं चाहिए ओह oh. तो हटा देगा ना हम तो बताया दो केस ऐसा है जिसमें बॉक्स एम रह सकता है डाउट क्लियर हाँ सर एग्जाम्पल टेन में जाए अब देखो टू अटेंड ए ज्वाइंट समिट टू कंट्रीज एंड फाइव डेलीगेट इच टू ए नेगोशियबल टेबल नेगोशिएटिंग टेबल ठीक है दो कंट्री दोनों कंट्री से पांच पाँच जा रहे हैं नाउ ए रेक्टेंगुलर टेबल इज यूज विथ फाइव चेयर ऑन इच साइड विच कंट्रीज असाइन द लॉन्ग साइड ऑफ द टेबल हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट आर पॉसिबल ये पूछ रहा है अब देखो हम बताते हैं मालो ये टेबल है rectangular. हम रेक्टेंगुलर हम यहाँ बताते हैं मालो रेक्टेंगुलर टेबल है ठीक है क्या बोला यहां पे पांच चेयर है और यहां पे भी पांच चेयर है और क्वेश्चन बोल लीजिए इच कंट्री इज असाइंड ए लॉन्ग साइड ऑफ कंट्री यहां बैठेगा या तो एक कंट्री यहां बैठेगा तो कोई डाउट no. मेरे पास दो कंट्री है अब वो दोनों कंट्री कोई भी एक साइड चूज कर सकता है हाँ no. कितना वेज में नहीं, नहीं कोई भी एक साइड चूज कर सकता ना हाँ, तो, या तो कंट्री तो, तो इस, इस हाँ, या तो कंट्री इस साइड बैठेगा या तो कंट्री इस साइड बैठेगा तो टू इस साइड बैठ रहा है और फाइव पोजिशन है तो फाइव तो तो पी फाइव तो तो नहीं होगा फ्रॉम फाइव डेलीगेट्स है तो फाइव पी फाइव वे और फाइव पी फाइव

क्वेश्चन नंबर फोर भी दो वे में करेगा, भी? दो वे तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू टोटल्टाइव क्वेश्चन टू अब क्या बोला है <coughs> अच्छा अब इसमें बोला नो no स्टूडेंट है मतलब ऐसा एक केस है जहां पे कोई एक स्टूडेंट सारा करेक्ट आंसर दे सकता है नहीं तो ये एक ही केस है ना जहाँ पे सारा करेक्ट आंसर हो सकता है तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जो सेम सीक्वेंस में आंसर क्या हो मैंने हर स्टूडेंट में कोई ना कोई अलग है जो हर स्टूडेंट हर में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अलग आंसर किया है सेम सीक्वेंस सेम आंसर किसी का भी नहीं है तो अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का थर्टी वन है तो वो थर्टी वन या नहीं होगा और अगर सारा स्टूडेंट डिस्टिंक्टली किया है तो बात है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना थर्टी वन ही है क्योंकि बोल ही दिया जो कोई भी स्टूडेंट सेम आंसर नहीं लिखा है मान लो हम और टू बैठा है तो तुम्हारा थर्टी वन में थर्टी फाइव क्वेश्चन में चार राइट है और एक गलत है मान लो तुम्हारा सीरियली चार राइट है और पांचवा गलत है तो मेरा वो नहीं हो सकता मेरा साथ पहला तीन राइट है चौथा गलत है पांचवा राइट है या कुछ भी हो सकता है तो तुम जिस सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया वो मेरा नहीं हो सकता ठीक है ना क्लियर यानी हर एक स्टूडेंट डिस्टिंक्ट वे में अटेम्प्ट किया है और हमको पता है डिस्टिंक्ट वे में अटेम्प्ट करने का नंबर ऑफ so वे थर्टी वन है सो देर आर थर्टी वन स्टूडेंट को डाउट एग्जाम्पल ट्वेल्थ हो वही कहानी ए क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टेन फॉल्स क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेस कैन ए स्टूडेंट वन और मोर क्वेश्चन

तो इस बार तीन तरीका है नहीं हाँ तो मान लो क्वेश्चन नंबर को तीन वेज में अटेम्प्ट करेगा सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू को भी तीन वेज को भी क्वेश्चन नंबर को भी वेज ऐसे क्वेश्चन नंबर टेन तक है तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कितना थ्री पावर टेन अब क्वेश्चन में क्या बोला है एटलीस्ट एक क्वेश्चन टू अटेम्प्ट करेगा ही

उसमें वो केस भी आ गया जहाँ पे एक स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता है नहीं किया होगा दस का दस क्वेश्चन छोड़ के आ गया होगा तो उस तरीका को हटाना है को डाउट उसको डिलीट करना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन बोला एटलीस्ट एक तो अटेम्प्ट करेगा क्लियर आगे बढ़े हेलो 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 सर हाँ हाँ आगे बढ़े ठीक है अब देखो नंबर एग्जाम्पल थर्टीन क्या बोला फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ए प्रेसिडेंट ए सेक्रेटरी ए ट्रेजरर फ्रॉम ए बोर्ड ऑफ एट मेंसर होल्डिंग वन ऑफ दिस पोस्ट कैन नॉट बी नोमिनेटेड अगेन ठीक है अब देखो हाँ तो तीन तरीका। हाँ तीन वे ना एक हाँ मतलब आठ में से दो मेंबर ऑलरेडी एक पोस्ट को हाँ. हैंडल कर ही रहा है तो उसको दोबारा नॉमिनेट नहीं कर सकता ठीक है ना हाँ तो अगर आठ में से दो ऑलरेडी होल्ड कर रहा है तो हमको कितना में से चूज करना है, है छ में से को डाउट अब छह में से तीन तीन पोजीशन चूज करना है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर कितना बीस सिक्स पी थ्री गुड आउट बिकॉज दो पहले से होल्डिंग था तो उसको नॉमिनेट नहीं किया जा सकता अब नया नया को चूज करना है तो बाकी छह में से चूज करेगा तो सिक्स मेंबर्स है थ्री पोस्ट है सिक्स पी थ्री वेस कोई प्रॉब्लम ना या दोबारा बताना हो जाएगा फाइन द नंबर ऑफ सिग्नल ये भी अच्छा विच कैन बी गिवेट कलर होस्टेड पहले भी किया नहीं हम लोग यार्वेशन पहले क्या हुआ बस वहां पर हम लोग काउंटिंग लगाता रहा प्रिंसिंग यहाँ पे परमोडिशन लगाएगा मान लो कहा गया पांच फ्लैग है हाँ हम उनमें से एक ही फ्लैग चूज करना चाहते हैं कितना वेज होगा हम एक अगर फ्लैग चूज करना चाहते हैं तो फाइव पी वन वेज अगर हम दो फ्लैग यूज करना चाहता है तो कितना वेज में चूज करेगा फाइव पी टू वे तीन फ्लैग चूज करना चाहता है फाइव पी थ्री सिमिलर फाइव फोर फाइव पी फोर सिमिलर फाइव पी फाइव अब सिंस इधर और का सवाल है या तो एक फ्लैग लेगा और दो फ्लैग लेगा और तीन फ्लैग लेगा और चार या और पांच फ्लैग लेगा तो सिंस और का सवाल है तो फाइनली सबको एड कर देगा ये हम लोग पहले भी किया हुआ है बस वहां पे हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया था ठीक है अब देखो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर इन द वर्ड मंडे एज्यूम दैट नो लेटर इज रिपीटेड किसी को रिपीट नहीं किया मतलब ओ ओ ओ, ओ ऐसे रिपीट नहीं हो रहा है एक लेटर एक ही बार आ रहा है ठीक है और एक बार में कितना यूज कर रहा है फोर लेटर यूज कर रहा है अब यहाँ देखो यहाँ कितना कितना लेटर्स है यहाँ पे मंडे हैज एक दो तीन चार पाँच छह लेटर्स

अब ऐसा भी कंडीशन डाल सकता है जब मान लो हम सारा वावेल्स को एक साथ रखना चाहता है बताओ क्या करेगा हम इसमें बता देता है मान लो इसमें नंबर थ्री दे दिया ऐड कर देना ओके तो वावल्स आर टूगेदर को मैं एक साथ रख रहा है वावल्स को अलग नहीं कर रहा है तो इसमें देखो वावेल्स कौन कौन सा है मंडे में वेल्स कौन कौन सा है ए और ओ है चलो ए और ओ को हम एक साथ रख दिया पर क्या ए और ओ आपस में अरेंज हो सकता है आ, कितना दोस वेश? दोस वेश? नहीं कैसे दस वीस टू सर आप ए और ओ को एक साइड शिफ्ट भी तो कर सकते आ, वो बाद में आएगा उसमें आएगा ना शिफ्ट करेगा वो टोटल मेरे नहीं नहीं वैसे मतलब क्योंकि हम लोग का बाकी अल्फाबेट्स भी है पहले ये देखो तो बस पहले बाबल्स को आपस में अरेंज कर लो एक साथ तो रख दिया पर आपस में हो सकता है ए और ओ डाउट ना तो हम लोग को पता चल गया एक साथ दो वेस में रह सकता है इन टू अब हम लोग इसको एक ही वर्ड मानेगा क्यों क्योंकि ये इंटेक्ट हो चुका है तो वन प्लेस टू प्लेस थ्री प्लेस फोर प्लेस फाइव प्लेस बचा है और वैसे बात है तुम्हारे बस फाइव फाइव अल्फाबेट्स ही है इसको काउंट करके एम एन डी वाई ये चार और ये एक पांच. तो पांच को पांच जगह में कितना वेस

कोई डाव्ट? ना तो ये सब भी आता है एग्जाम में क्लियर अच्छा पॉइंट वन होमवर्क दे सकता है हाँ इसको क्या निकालना डायरेक्ट फॉर्मुला लगाना फोर पी थ्री डायरेक्ट फोर मतलब दो बार मल्टीप्लाई होगा कोई प्रॉब्लम सेम ये कहानी है और सेम ये कहानी है डन नंबर वन भी खुद से कर लेना खाली वैल्यू बैठाना और प्रूफ करना ची सारी चीज ठीक है और तुम चाहे तो फॉर्मूला यूज कर सकता है पर वैल्यू बैठा और करो नंबर टू हम करवा देते हैं टू देखो क्या बोला है नंबर टू देखो क्या बोला बताओ एक बार एन पी एन इक्वल टू ट्वाइस एन पी एन माइनस टू हमारे चेस्ट लेता है ट्वाइस एन पी एन माइनस टू चलो ब्रेक करता है कितना आएगा बताओ फैक्ट्रोल एन बाय एन माइनस एन प्लस टू आएगा तो फैक्ट्रोल एन बाय क्या बचेगा फैक्ट्रोल टू टू और फैक्ट्रल टू कर दिया क्या बचा फैक्ट्रोल और फैक्ट्रोल एन क्या होता है एनपीएन नहीं होता है तो आंसर आ गया कोई डाउट उतार लो और देखो कोई डाउट है तो बोलो आगे बढ़े। नंबर थ्री देखो साथ साथ ही लिखते जाओ टाइम बचेगा एन पी एन इक्वल टू एन पी एन माइनस वन चलो आर एच एस लेता है एन पी एन माइनस वन दिया हुआ है क्या हुआ फैक्ट्रल एन बाई वही कहानी है एन माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन तो तुम देखिएगा ये फैक्ट्रल एन ही बच रहा है विच इज एन पी एन देख लो डायरेक्ट है कुछ है ही नहीं है उतार लो देखो कोई डाउट है क्या बताओ कोई डाउट आगे बढ़ें नंबर थ्री देखो तो क्या बोला एन प्लस वन पी थ्री इक्वल टू एन पी फोर थ्री का वन एन प्लस वन पी थ्री इक्वल टू एन पी फोर ये थ्री है तो थ्री टाइम्स होगा एन प्लस वन से शुरुआत होगा फिर उसका एक कम जाएगा फिर उसको एक और कमेगा कोई डाउट तो तीन बार तक आएगा ना एक एक कम के एन पी फोर वही एक एक घट के चार बार आएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू और एन माइनस थ्री तक कोई प्रॉब्लम तुम को तो एन और एन माइनस वन एन और एन माइनस वन कट दिया क्या, क्या बचेगा एन प्लस वन एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन स्क्वायर माइनस फाइव एन माइन प्लस सिक्स तो सॉल्व करेगा तो आएगा एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन प्लस फाइव इक्वल टू जीरो चेक कर लो एन माइनस वन और ये बनेगा एन माइनस फाइव इक्वल टू जीरो सो देर फॉर इधर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो और एन माइनस फाइव इक्वल टू जीरो कोई डाउट ना

हाँ तो बात वन ही आ जाएगा एन कैन नॉट बी लेस देन आर नहीं बोला हम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर हाँ या ना हाँ हाँ तो इसे पता चल गया कि एन हमेशा किससे बड़ा होगा फोर या फोर से बड़ा होगा कोई डाउट तो वहीं पे देख लेना इसलिए इक्वेशन जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें देखना जे एन का मिनिमम वैल्यू क्या है ताकि इम्पॉसिबल लिख सके ठीक है तुम इंपॉसिबल का जगह ये भी लिख सकता है इंपॉसिबल ही लिखो क्यों इतना करना है? छोड़। को डाउट उतार लिया ये आगे बढ़े हम नंबर टू क्या बोला देखो फाइव टाइम्स फोर पी एन इक्वल टू सिक्स टाइम्स फाइव पी एन माइनस वन इम्प्लाइस फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर बाय फैक्टोरियल फोर माइनस एन सिक्स इंटू फैक्टोरियल फाइव बाय फैक्टोरियल फाइव माइनस एन प्लस वन कोई प्रॉब्लम ना अब ब्रेक करता है तुम तो ऑब्जर्व करेगा देखो व्हाट इज फाइव फैक्टोरियल फोर फाइव इंटू फैक्ट्रल फोर क्या होगा फैक्टोल फाइव तो होगा सिक्स इसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा बिकॉज फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल फाइव कट जाएगा और ये क्या बनेगा सिक्स माइनस एन फैक्ट्रल फाइव फैक्ट्रल फाइव कट गया कोई प्रॉब्लम ना अब देखो वन बाई फैक्ट्रेल फोर माइनस एन इक्वल टू सिक्स बाई इसको क्या लिख सकता है सिक्स माइनस एन इंटू फाइव माइनस एन और उसके बाद क्या आएगा फैक्टोरियल फोर माइनस एन ये और ये कट गया तुम देख सकते है सिक्स माइनस एन इंटू फाइव माइनस एन इज इक्वल टू सिक्स को क्या लिख सकता है थ्री इंटू टू लिख सकता है हाँ uh. तो यहाँ से पता चल गया दे आर फोर सिक्स माइनस एन इक्वल टू थ्री इन एन इक्वल टू थ्री चेक करो कोई डाउट ना उतार लो एग्जाम ये सब आई गई एमसीक्यू में आओ या सब्जेक्टिव में आओ टाली गई तुमको अगर फॉर प्रैक्टिस आ, कोर मैथ्स का भी एनसीईआरटी बुक सॉल्व करना है तुम कर सकते हो तुम्हारा फायदा ही होगा प्रैक्टिस ही होगा ठीक है और अभी अभी कोर मैथ्स का हम पार्मिटिशन कम्बिटिशन स्टार्ट करेगा तो तुम चाहे तुमको अगर दोबारा रिवीजन के तौर पर ज्वाइन करना तो तुम कर सकता है तुम्हारा चॉइस है कोर मैथ्स वालों में एडवांटेज ही होगा ना तो हमको लगता है इसमें सीन्स हम तुमको ही पढ़ा रहे हैं तो तुम अगर एक बार में समझ रहे तो हम ज़्यादा इलाबोरेट नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में तो शायद स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम भी हो सकता है पर उस अप्लाइड मैथ्स कोर मैथ्स वाला क्लास में क्या होगा चार पाँच स्टूडेंट है ना तो जिसको समझ में नहीं आएगा तो हम इलाबोरेट कर सकेगा यहाँ पे हम ज्यादा इलाबोरेट कर ही नहीं रहे बिकॉज तुमको समझ में आ रहा है So मेरा हिसाब से इसका वीडियो लेक्चर सब स्टूडेंट के लिए नहीं है ये वाला जिसका पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखेगा तो फटाफट होगा आगे नेक्स्ट एन माइनस वन पी थ्री इज टू एन प्लस वन पी थ्री हम डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं एन माइनस वन पी थ्री डिवाइडेड बाय एन प्लस वन पी क्या जब फाइव इक्वल टू अच्छा एन प्लस वन पी थ्री इक्वल टू फाइव बाई ट्वेल्व चलो वही करता सिंपली ये थ्री है मतलब तीन बार होगा एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे लिख दीजिए डिवाइडेड बाय, ये भी एन प्लस वन से तीन बार है मतलब एन प्लस वन एन और एन माइनस वन कोई प्रॉब्लम अब सिर्फ एन माइनस वन एन माइनस वन कट रहा है तो बाकी जो बचा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर बचेगा एन स्क्वायर माइनस फाइव एन प्लस सिक्स बजेगा एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू फाइव बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो ट्वेल्व एन स्क्वायर माइनस सिक्सटी एन प्लस सेवनटी टू फाइव एन स्क्वायर प्लस फाइव एन अब सब इधर ले आओ तो सेवन एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन प्लस सेवनटी टू इक्वल टू जीरो बताओ मिडिल टर्म क्या होगा

सिक्सटी फाइव लाना है तो सेवेंटी टू माइनस सेवन ठीक है बट प्लस माइनस का कुछ झोल है देखो साइन का झोल है कहीं पे कहीं पे साइन का झोल है या फिर और कोई फैक्टर एग्जिस्ट करता होगा सेवन इंटू टू सेवेंटी टू सेवन इंटू टू इंटू थर्टी सिक्स फोर्टीन इंटू थर्टी सिक्स तो होगा नहीं एक और चाहिएगा नीचे आंसर क्या देखो तो नीचे आंसर देखो थ्री थ्री नाइन नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री प्लस एट माइनस एट नहीं आएगा

फिफ्टी सिक्स इंटू नाइन चेक करो थ्री थ्री 9, नाइन सेवन टू 14 फोरटीन फोर्टीन इंटू फोर फिफ्टी सिक्स एंड फिफ्टी सिक्स प्लस नाइन क्या होता है सिक्सटी थ्री आया ना ठीक है ना सही है ना अब आंसर आ जाएगा तो कॉमन लेन में क्या आने वाला है बताओ एक तरह आएगा सेवन एन माइनस नाइन एक तो रहेगा नाइन एन माइनस एट ये तो आएगा चेक करो दैफोर या तो सेवन एन माइनस नाइन इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल आने वाला है एन फ्रैक्शन नहीं होगा तो एन इक्वल टू नाइन बाई सेवन ब्रैकेट में इम्पॉसिबल पीछे आंसर देखो तो एट है क्या uh. एन इक्वल टू एट यही आंसर है चेक करो तो मिडिल टर्म बस प्रैक्टिस चाहिए हमको तो 65 चाहिए था तो ऑब्वियस सब आता है 65 लाने के लिए देखो सम ऑफ टू ऑड इज सम ऑफ टू इवन इज ऑलवेज इवन तो हमको तो एक ऑड और एक इवेंट चाहिए था ताकि सम करके ऑड आए तो हम वैसे ही ढूंढ रहा था ऑड और इवेंट तो वो बस ट्रिक है वो करते करते पता, -पता चल जाता अपने आप ही कोई सिखाने वाला चीज वैसे है नहीं ठीक है ना आगे बढ़े नेक्स्ट देखो नंबर फाइव सिक्स कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू फिल सम पोस्ट ओके ठीक है तो देखो नंबर वन फोर का वन अच्छा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना है छ सो नंबर वन तो नंबर वेस सीधा है कुछ नहीं है नंबर वेस सिक्स इंटू फाइव नहीं होगा डायरेक्ट हाँ वही टू पोस्ट कैन बी लिखने का तरीका होना पड़ेगा ना टू पोस्ट कैन बी हाँ टू पोस्ट कैन बी फील्ड इज छह कैंडिडेट है और दो पोस्ट है तो छह में से दो कैंडिडेट उठाएगा कितना सिक्स पी टू वेस मतलब सिक्स इंटू फाइव इज थर्टी कोई प्रॉब्लम सिमिलरली तीन पोस्ट बोला है तो सेम नंबर ऑफ वेटू फाइव इंटू फोर थ्री पोस्ट कैन बी फील्ड इक्वल टू सिक्स पी थ्री ये कैलकुलेट करेगा तो करे कितना आएगा वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी चेक कर लो और कोई डाउट है तो बोलो नेक्स्ट को नंबर हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग द डिजिट फ्रॉम वन टू नाइन तो अब बात है नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हुआ 93 हो गया ना नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 9 तो 10 9 है 1 से 9 तक है मैं 0 0 क्यों सोच रहा अब नंबर 1 देखो नो डिजिट रिपीटेड सिंस रिपीट नहीं हो रहा तो डायरेक्ट परम्यूटेशन लिख जाएगा हां 9p3 9p3 ठीक है तो लिखो ऐसे लिखना देखो नंबर ऑफ वेज थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट 1 टू 9 ब्रैकेट में नो डिजिट रिपीटेड इज 9p3 और अगर डिजिट रिपीट हो जाता है देखो तो

एकदम काफ़ी बड़ा है तो वो करने का जरूरत नहीं है पर जितना हाथ में होता था उतना तक करके दिखाना पड़ेगा अब जैसे सिक्सटी पी फोटी एट इसका ऑब्वियस है कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है इसको फैक्टोरियल में रखने से चलेगा तुमको मिलेगा कम्बिनेशन में और कैलकुलेशन मिलेगा कम्बिनेशन में मिलने वाला है अभी कैलकुलेशन कैलकुलेशन है इसमें खाली नंबर देखो uh, six, देखो क्या बोला इन हाउ मेनी एक टैप करेगा केस ही नहीं बनता यहाँ पे बिकॉज टैप यूज होगा तो छमेन है छः टैप है तो कितना वेस्ट सिक्स पी सिक्स वेस्ट कोई प्रॉब्लम विच इज फैक्टोरियल सिक्स यानी कि सेवन ट्वेंटी नंबर टू देखो सात कैंडिडेट्स है और अगर बैलोट पेपर में नाम लिस्ट करना है कितना में करेगा अभी कैंडिडेट तो सातों का ही नाम आएगा तो कितना इज़ फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन याद रखना याद हुआ है, तक हुआ है। फैक्टरल फैक्टरल 7 याद हो जाएगा पांच हजार चालीस करते करते याद हो जाएगा को डाउट ना तो सेवन नंबर का वन डायरेक्ट क्वेश्चन है देखो क्या बोला वो गया ना एट पी टू टू बिकॉज वो आठ हाँ. पर्सन है और दो पोस्ट है एक चेयरमैन का और एक वाइस चेयरमैन और बोली डे रिपीटेशन अलाउड नहीं है बिकॉज वन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन सो क्या होगा एट पी टू कोई प्रॉब्लम नंबर टू देखो फ्रॉम ट्वेल्व पर्सन इन हाउ मेनी कैन वी चूज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरियन ट्रेजर यानी कि कितना पोस्ट है फोर पोस्ट और ट्वेल्व परसेंट बट क्वेश्चन में क्या बोला है हर एक 12 percent एक एक ना होल्ड करेगा पर कोई भी person एक से ज्यादा नहीं नहीं करेगा मतलब यहाँ पे भी repetition allowed नहीं है होगा मतलब मतलब ये आएगा तो तुम ही करके देख लेना ना से

इफ ई इनवाइट ये लिखने का तरीका हाई इफ ई इनवाइट वन फ्रेंड तो कितना वेज होगा नंबर ऑफ वेज टू इनवाइट नंबर ऑफ वेज टू इन्वाइट वन फ्रेंड सिक्स पी वन वेज टू फ्रेंड ऑबियसली सिक्स पी टू थ्री फ्रेंड कितना होगा सिक्स पी थ्री फोर फ्रेंड यानी कि सिक्स पी फोर फाइव फ्रेंड्स यानी कि सिक्स पी फाइव एंड सिक्स फ्रेंड्स का कितना होगा सिक्स पी सिक्स सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे सबको ऐड कर देना जो भी आएगा सिक्स पी वन सिक्स होता है सिक्स पी टू थर्टी होता है सिक्स पी थ्री कितना होता है वन ट्वेंटी सिक्स पी फोर थ्री सिक्सटी सेवन ट्वेंटी सही लिखा है और ये भी सेवन ट्वेंटी तो देख लो सिक्स प्लस थर्टी प्लस वन ट्वेंटी प्लस थ्री सिक्सटी प्लस सेवन ट्वेंटी प्लस सेवन ट्वेंटी कितना आएगा बताओ कैलकुलेट करना पड़ेगा हम कुछ गड़बड़ किया क्या लग तो रहा है आंसर तो 63 है हाँ। और आपको तो 120 उससे ज्यादा ये मैंने सिक्स फ्रेंड्स इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स एट डिनर हाँ। मेरे हिसाब से वन और मोर जैसे बोला है तो मेरे हिसाब से 6 5 4 3 2 तक होगा क्या तो भी 63 कैसे आएगा वन और मतलब या तो एक को करेगा या तो एक से ज्यादा अगर एक को करेगा तो सिक्स पी वन वेस्ट दो को करेगा तो सिक्स पी टू वेस्ट तीन को करेगा तो सिक्स पी थ्री वेस्ट अगर चार को कर रहा है सिक्सपी फोर वेस्ट पाँच फ्रेंड्स को कर रहा है सिक्स पी फाइव वेस्ट और सारा फ्रेंड्स को कर रहा है सिक्स पी सिक्स वेस्ट और सब में और का ऑप्शन है या तो एक को करेगा या तो दो को करेगा या फिर तीन या फिर चार या फिर पांच या फिर छह तो सबको एड ही करना पड़ेगा हम कन्फर्म करते हैं एक सेकंड रुको वीडियो पॉज ओके यहाँ पे एक केस बनता है ठीक है समझ गया हम केस ये है हेलो मेरा वॉइस आ रहा है मैं बोला गूगल में ये यूज येम्बिनेशन हाँ कॉम्बिनेशन इसलिए होगा बिकॉज मान लो तुम दो फ्रेंड चूज कर रहा है अब तुमको उस दो फ्रेंड में आपस में अरेंज करने का जरूरत ही क्या है समझ रहा है चैप्टर तो तो वो वो चल रहा था पर चलो वैसे सोच लो हम बताता है हम लोग एक्चुअली परमोटेशन में कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है ऐसा नहीं, नहीं कर सकता है। जब कॉम्बिनेशन आएगा फार्मूला लगाएगा अब हम लोग 6p2 पर सिंस वो दो आपस में दो वेज में अरेंज हो रहा है हमको वो अरेंजमेंट का जरूरत नहीं है तो यहां पे क्या करेगा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 व्हिच इज 15 यहां पे होगा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई सी सेम डिड बाई फैक्टोरियल फोर मतलब करने का जरूरत नहीं है वो चार आपस में फैक्टोरियलेंज में, में होगा पर वो हम लोग को चाहिए ही नहीं अरेजमेंट सो डिवाइड कर दिया ये कितना आएगा बताओ डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल फाइव जब कंबिनेशन आएगा तो सी लगा देना कोई प्रॉब्लम नहीं है सिक्ससी वन सिक्स टू चलेगा अल्टीमेटली बनेगा यही तुमको पता चलेगा रिलेशन यही है जे एन सी आर इक्वल टू एन पी आर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर ये मिलने वाला है यही रिलेशन है ये कितना आएगा बताओ वन ट्वेंटी इक्वल टू और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल सिक्स यानी कि सारा फ्रेंड्स कोई बुला रहा है तो आपस में अरेंज ही क्यों करना है वो डाउट ना सर तो जो भी आएगा प्लस कर देना आंसर सिक्सटी थ्री आ जाएगा

थ्री डिफरेंट थिंग्स कैन बी वॉर्न इन फोर फिंगर्स विथ एटमोस्ट वन ईच फिंगर बताओ ठीक है तो यानी कि तुम्हारे सब चार फिंगर है मालूम हाथ बना रहा है तो पहला अंगूठी इस चार फिंगर में कितना वेस्ट फोर वेस्ट अब एक अंगूठी पहन चुका क्वेश्चन में बोला एक, एक अंगूठी में एक ही रिंग होगा उससे ज्यादा नहीं होगा तो जो दूसरा अंगूठी आएगा वो बाकी तीन में पहनाया जाएगा कितना बीस हाँ। थ्री बेस अब यहाँ भी पहन लिया तो बचा दो उंगली तो तीसरा उंगली टू बेस को डाउट सो फोर इंटू थ्री इंटू टू ट्वेंटी फोर कोई प्रॉब्लम क्लियर है कॉन्सेप्ट पहले इलेवन देख लो बाद में उसमें आता है इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर सारा लेना है और हर एक एग्जैक्टली वन मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स तो एक दो तीन चार पांच क्या होगा फाइव पी फाइव होगा यानी कि फैक्ट्रियल फाइव ठीक है हाँ एक, एक, एक दो तीन चार पांच छ कितना होगा फैक्ट्रियल सिक्स एक दो तीन चार पांच छ सात कितना फैक्ट्रियल सेवन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ कितना होगा फैक्ट्रियल एट कोई रिपीटेशन है क्या इस वर्ड में देखो जब रिपीटेशन होता है तो डिवाइड कर देगा जैसे हम लोग फ्रेंड्स वाला में किया okay. रिपीटेशन नहीं है ना ना तो फैक्ट्रोल एट तो फैक्ट्रोल एट का वैल्यू होता है फोर जीरो थ्री टू जीरो याद रख लो याद रख सकता है अच्छा बात है चालीस तीन सौ बीस ऐसे याद रख सकता है जैसे हम फैक्ट्रोल सेवन पचास चालीस याद रखा था वैसे फैक्ट्रोल एट चालीस तीन सौ बीस याद रख सकता है ठीक है या चार सौ तीन बीस जैसे याद रखना रक रखो तो इलेवेन में कोई डाउट ना अब टेन बताऊं नंबर वन तुम लोग खुद से कर लेना हम नंबर टू और थ्री बता देते हैं क्या बोला है पी इलेवन आरिस पी ट्वेल्व आर माइनस वन पी इलेवन आर इी ट्वेल्व आर माइनस वन मतलब इलेवन पी आर इक्वल टू पी आर माइनस वन फैक्टोरियल इलेवन बाय फैक्टोरियल इलेवन माइनस आर फैक्टोरियल ट्वेल्व बाय फैक्टोरियल टाइनस आर प्लस कोई प्रॉब्लम ना। अब फैक्टोरियल इलेवन को वही रखता है ये फैक्टोरियल इलेवन माइनस आर इक्वल टू ये फैक्टोरियल थर्टीन माइनस आर बनेगा और इसको लिख सकता है ट्वेल्व इंटू फैक्टोरियल इलेवन कोई प्रॉब्लम ना फैक्ट्रियल इलेवन फैक्ट्रियल इलेवन कट गया तो क्या बचा देखो माइनस आर इंटू माइनस आर बनेगा और ये क्या 11 -R आएगा फैक्टोरियल इलेवन माइनस आर आएगा हाँ कट गया इस साइड तब सीधा लिख देख कट गया और ट्वेल्थ को हम क्या लिखेगा फोर इंटू थ्री कोई प्रॉब्लम ना तो क्या याद है फोर थर्टीन माइनस आर इक्वल टू फोर सो आर इक्वल टू नाइन चेक करो कोई डाउट ना ऑलरेडी हम लोग पहले किया हुआ ये सिमिलर क्वेश्चन ही है नया नहीं है नेक्स्ट क्या है फिफ्टीन आर माइनस वन एंडीन आर माइनस वन ठीक है फिफ्टीन आर माइनस वन एंड सिक्सटीन आर माइनस वन चलो

देता है फैक्ट्रिय माइनस आर प्लस वन इक्वल टू थ्री बाय फोर अब डिवाइड को इनटू बदलता तो तो और थोड़ा डायरेक्ट स्टेप जाएगा ऊपर क्या बचेगा फैक्टोरियल सेवनटीन माइनस आर बाई फिफ्टीन इंटू फैक्टोरियल सॉरी फैक्ट्रल फिफ्टीन बाई सिक्सटीन माइनस आर कोई प्रॉब्लम

फोर वन जा फोर फोर जा सिक्सटीन तो क्या बचा सेवेंटीन माइनस आर इकल टू ट्वेल्व सो आर इक्ल टू फाइव चेक करो गुड आउट ठीक है हाँ सर अब देखो वही प्रमोटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट ये वही है जो हम लोग अभी फ्रेंड्स वाला किया था फ्रेंड्स में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा हैं ना

डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर जहाँ पे पूरा का पूरा आर सेम है कॉम्बिनेशन में क्या होता है पूरा का पूरा आर जितना तुम ले रहा है उसमें उसी अरेंजमेंट में फर्क नहीं पड़ता बट ये जो केस है जैसे कि हम बोल रहे हैं मिशीसीपी यहाँ पे देखो एस और आई रिपीट हो रहा है क्या एम भी रिपीट हो रहा है क्या क्या पूरा अल्फाबेट सेम है यहाँ पे यहाँ पे कुछ कुछ अल्फाबेट रिपीट हुआ s एस पी आई एस आई तो इसमें कम्बिनेशन नहीं लगा सकता कम्बिनेशन में क्या होता है हम जितना ऑब्जेक्ट जितना एक एक बार में ले रहा है जो आर ले रहा है वो आर का आर सब सेम होना पड़ेगा अगर मान लो यहाँ पे थ्री लेना थ्री एट ए टाइम लेना चाहता है तो जो भी थ्री ले रहा है वो सारा सेम होना पड़ेगा पर ऑब्वियस सब बात है वो पॉसिबल नहीं है इस केस में तो कम्बिनेशन वहां लगता है जहां तुम जितना ऑब्जेक्ट ले रहा है अरेंज करने के लिए उसमें पूरा सेम होना पड़ेगा अरेंजमेंट सिलेक्शन होगा मतलब पर यहाँ पे वैसा नहीं है यहाँ पे कुछ कुछ ही हो रहा है रिपीट ठीक है तो जो जो रिपीट हो रहा है खाली वही डिवाइड हो रहा है यहाँ पे कॉम्बिनेशन वैसा नहीं है कॉम्बिनेशन में क्या होता है जितना तुम ले रहा सब सेम है जितना भी तुम लेना चाहता है यहाँ पे सब सेम नहीं है यहाँ पे पी एल आई कुछ पी से पी हो सकता कुछ क्यू हो सकता कुछ आर हो सकता ठीक है वही है पे देखो सम और ऑल ऑब्जेक्ट समर पे जितना भी तुम ले उसमें ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है जबकि मिसीसी लिया था उसमें करेगा, तुम एस थोड़ा -थोड़ा रिपीट हो रहा हो तो जब कंप्लीटली ऑर्डर मैटर नहीं करता तब कम्बिनेशन आएगा डन तो क्लास ही हो जाएगा आराम से आई थिंक कम्बिनेशन भी स्टार्ट तो खत्म शायद क्लास हो जाएगा। और में होगा कहानी वही है अब नॉर्मल सॉल्विंग है जैसे परमोटेशन में क्या वैसे इसमें करना है। और एग्जाम में कम्बिनेशन का क्वेश्चन ज्यादा आता है टेबुलेटेड वाला ज्यादा आएगा है बताते हैं ये कमिटीज वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कमिटी वाला आता है ठीक है और सर हाँ बोलो कल सुबह पॉसिबल है कल सुबह तो नहीं है तो आप एक्स्ट्रा क्लास हेलो सैटरडे को एक्स्ट्रा ले पाएगा को भी कर एक मिनट वीडियो खत्म करता